दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नज़रअंदाज से। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे देखने के बाद आपके जीवन में 100% बदलाव आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना आपका कीमती वक्त खराब किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोहन नाम का एक व्यक्ति जो अपने 25 वर्ष के बेटे रवि के साथ ट्रेन पर चढ़ा। जैसे ही ट्रेन में चढ़े तो 25 वर्ष रवि छोटे बच्चों की तरह अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उसे ट्रेन के विंडो सीट पर बैठना है। उसने मजाक बनाते हुए रवि के पिता मोहन से बोला, भाई साहब, आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो मेरी जगह पर उसे बिठा दीजिए। इतनी जिद के बाद रवि को आखिर विंडो सीट मिल ही गई। अब रवि खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उस बोगी में और भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे जो रवि को देखते हुए उसका मजाक बना रहे थे। रवि के ठीक सामने एक महिला भी बैठी हुई थी जो रवि को बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि रवि बच्चों की तरह काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे जब भी ट्रेन चलती तो रवि अपने पिता से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी देखिए तो पेड़ कैसे चढ़ रहे है, यहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी चढ़ रही है। और सामने जो महिला बैठी हुई थी तो वो रवि को देखते हुए सोचने लगी, शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन वो महिला उसके पिता से इस बारे में कैसे बात करती। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वो रवि के मानसिक स्थिति के बारे में रवि के पिता मोहन से बात कर सके। और जैसे ही कुछ समय के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जा रुकी और फिर उस महिला ने टिफिन का डिब्बा निकाला और रवि और मोहन को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की। उन्हें मिठाइयाँ खाने के लिए कहा और बातों बातों में उस महिला ने मोहन से कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं बता देते हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, यदि अगर आप कहते हो तो मैं आपको उस डॉक्टर का फोन नंबर दे सकती हूँ, आप पर इतनी मेहरबानी कर सकती हूँ, मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। रवि के पिता मोहन ने मुस्कुराते हुए उस महिला से कहा कि मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ, ये बचपन से अंधा था, 25 साल से इसने कुछ नहीं देखा था, आज इसे नई आंखें मिली है, ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है, इसीलिए ये बच्चा सब कुछ अपनी नजरों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। ये सब सुनकर वो जो महिला थी जो रवि को मंदबुद्धि और पागल समझ रही थी, वो अपने आप पर पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई और मोहन की उन बातों को सुनकर वो पछताने लगी। तो दोस्तों, कई बार हम बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि जब तक हम सामने वाले के बारे में सही से जान नहीं लेते, तब तक हमें किसी को जज करना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट करना हमारी और आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर आदमी के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है, कोई न कोई मजबूरी और संघर्ष जरूर होता है, इसीलिए दूसरों को जज करना बंद करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।